कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बर्लिन से निकल चुका हूँ एंड आई एम हेडेड टूवर्ड्स प्राग। प्राग चेक रिपब्लिक का कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिटीज इन यूरोप एंड आई कैन नॉट वेट टू गेट देयर एंड एक्सप्लोर द एंटायर टेरेन। ओके गाइस, सो आई हैव जस्ट अराइव्ड इन प्राग और यू कैन कॉल इट प्राहा, यहाँ पे लोग इसको प्राहा बुलाते हैं, स्पेल्ड ऑल्सो लाइक दैट। इट्स 1:30, वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, मेरे को वेदर ऐप पे ड्रिजल बता रहा था पर अभी तक तो दिख नहीं रहा है, सो इट्स क्वाइट नाइस एंड आई हैव गॉट दिस फ्रॉम द ट्रैवल टूरिस्ट डेस्क, इट्स गोना टेल मी अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो या लेट्स गो एक्सप्लोर प्राग। That is the check-in. That is where I'm staying. It's basically a hostel. मेरे को इसके इंटीरियर्स काफ़ी पसंद आए थे, बहुत ही ज़्यादा creepy और ghost vibes देते हैं। वरना तेरे को डर नहीं लगता? इसलिए मैंने ये बुक किया। I hope ज़्यादा creepy ना हो। Okay, so this is what it looks like. इस वाले में वो इंटीरियर नहीं है जो ऑनलाइन देखा था मैंने। It's basic. Let me go take a bath. तो जैसे ही प्राग की सड़कों पे मैं बाहर निकला तो मुझे एकदम से एक ओल्ड टाउन वाला वाइब आया एंड दैट्स व्हाट प्राग इज नोन फॉर। सो प्राग को व्लतावा रिवर दो हिस्सों में बांटती है, एक तरफ ओल्ड टाउन है और एक तरफ न्यू टाउन। अभी मैं ओल्ड टाउन स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है एंड प्राग की हेरिटेज और उसका गॉथिक आर्किटेक्चर ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट गाइस, सो आई एम इन ओल्ड टाउन स्क्वायर नाउ और हो रहा ओल्ड टाउन स्क्वायर का कासल, हियर इज द एस्ट्रोनॉमिकल टावर। आई थिंक यहाँ पे लोग बोलते हैं हर एक घंटे में कोई शो होता है जहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स तुम पे दिख रहे हैं हिलने लगते हैं। सो यार लेट्स रोम अराउंड हियर फॉर अ बिट एंड सी। There are a lot of tourists इधर, अभी हर जगह आपको लोग ही लोग दिखेंगे और यहाँ एक्चुअली समर फील लग रहा है, ठंडी हवा है पर फिर भी समर फील लग रहा है एकदम। This huge और चारों तरफ बहुत ही अलग अलग आर्किटेक्चर है, मतलब एक तरफ there's a star, one side there's this structure and then there's a statue, now there are some golden peach buildings and of course the castle. इस तरफ yet again gives sort of a Chinese feel. Oh, doesn't this look like Gringotts guys? Like bigger golden version of Gringotts. Gringotts, the wizard bank. Take no safer place, not one. That's actually Swarovski ka building. कुछ 500 meters चला होगा, मेरे को दो Swarovski दिख चुके हैं. I guess diamonds here are famous or something. Yeah, I'm just walking around the palace. Actually, its entrance is taraf se hoga. Here you can actually see the castle. यहाँ पे किसी की शादी हो रही है गाइस, लगता है कि प्री वेडिंग जो भी, हाउ कूल इज दैट। वैसे फॉरेन में गाइस प्री वेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे पोस्ट वेडिंग होता है, तो इन दोनों की अभी अभी शादी हुई होगी एंड नाउ दे आर डूइंग अ स्मॉल फोटो शूट, तो ज़्यादा वो देख के वो याद कर सके कि उन्हें कितनी बड़ी गलती की थी लाइफ में। बनी को शादी से एलर्जी है? ऑफ कोर्स है। यू कैन डिबेट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक ऑन द शॉप। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल टावर पे जो क्लॉक है वो एवरी आवर कुछ हरकत करती है, तो वहाँ कोई एनिमेटेड फिगर्स है जिनका एक मीनिंग भी है, वो मैं उनको तभी बताऊँगा जब आवर हिट करेगा क्लॉक, तभी वहाँ कुछ एनिमेशन होते हैं छोटे मोटे। इट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर एंड सी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी 4:30 हो रहा है, 5:00 जब आवर हिट करेगा तभी होना चाहिए कुछ। और यहाँ पर ये बड़ी स्पेस एकदम या छोटी गलियों में कन्वर्ज हो जाती है, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे टांगा राइड भी होती है गाइस, इस पर बैठ के भी पूरा प्राग देख सकते हो आप।
बड़ी फैंसी सिंड्रेला की कार जैसा लग रहा है। सारे लोग इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, हम भी जाके देखते हैं गाइस। सो अभी कुछ ही देर में वो एनिमेशन शुरू होने वाले हैं और ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये क्लॉक्स में हिलने वाले हैं और कुछ तो हरकत करने वाले हैं। बट उसके पहले आई विल टेल यू कि इसका मतलब क्या है, ये फिगर्स क्यों लगे हैं क्लॉक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट टू राइट शुरू करूँगा। लेफ्ट में जो बंदा मिरर में देख के खुद को निहार रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स वैनिटी या फिर घमंड। द सेकेंड वन उसके बाजू में जो खड़ा है, दैट मैन इज होल्डिंग अ बैग ऑफ गोल्ड और वो स्पेंड नहीं करना चाहता उसको, विच रिप्रेजेंट्स ग्रीड या फिर लालच। अक्रॉस द क्लॉक हम जाएंगे तो हमको एक स्केलेटन दिखेगा, वो रिप्रेजेंट करता है डेथ एंड वो ही टाइम स्ट्राइक करता है हर आर में। एंड द लास्ट वन इज अ टर्किश मैन विच रिप्रेजेंट्स लस्ट या फिर अर्थली जो प्लेजर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। सो ऑल ऑफ दीज फोर स्टैचूज रिप्रेजेंट द फोर क्वालिटीज दैट आर डिस्पाइज्ड इन अ ह्यूमन। उनके सर हिल रहे हैं गाइस अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, और वो हाथ हिला रहे हैं और ये कुछ लोग दिख रहे हैं विंडो में। ये फ़ोन में बैटरी बहुत कम है गाइस, अब मैं व्लॉग नहीं करूँगा। आई गो गेट बैक टू माई हॉस्टल फर्स्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू व्लॉगिंग अगेन आफ्टर चार्जिंग माई फोन। 5 minutes later. I had to vlog this square guys, modern sari stores square pe. Bahut bada hai samne dekho wo building, kya sahi building lag rahi hai. So we are out now again और अब मैं डिनर करने जा रहा हूँ। फाइनली फ़ोन चार्ज कर लिया मैंने एंड आई ऑल्सो बॉट माई सेल्फ न्यू जैकेट, काफ़ी इफेक्टिव है यार, ठंड के लिए बिल्कुल ठंड नहीं लग रही मुझे, है थोड़ी थोड़ी ठंड, इट्स अराउंड 12-13 डिग्रीज हियर चिली। तो मैं इस चक्कर में क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी आई वुड वॉजेंट एबल टू मेक माई माइंड टू एक्सप्लोर स्टफ, प्लस मैं प्राग में हूँ तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ। सो या इन्वेस्टेड अ लिटिल मनी, बॉट अ जैकेट एंड नाउ लेट्स गो फॉर डिनर। ट्रेन में बैठ गया था, मुझे मेट्रो पकड़नी थी, ट्रैम नहीं, फिर मैं उससे उतरा रेलवे स्टेशन पर, वहीं पे मुझे मेट्रो का स्टॉप भी मिल गया। अभी हम मेट्रो हम जा रहे हैं बेसिकली मैनिफेस्टो मार्केट, इट्स कंसिडर्ड टू बी ऐसा थोड़ा इंडिया में इफ़ यू बिन टू अहमदाबाद अर्बन चौक वैसा है कुछ कंसेप्ट, देखते जाके यहाँ भी क्या है। आई होप कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। मैं यहाँ के फूड सीन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड, ये इन्होंने मुझे पैकिंग के लिए दिया है, बचने लगेगा जब रेडी हो जाएगा। आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड काठी रोल्स गाइस, यहाँ पे काठी रोल्स मिल रहे हैं वेजिटेरियन, फुल पनीर एंड चीज़ के साथ, एकदम प्यारे वाले, आई होप टेस्ट अच्छा करें और लगता है अच्छा करेंगे क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि यहाँ पे वेजिटेरियन फूड ऑप्शन मिल जाते हैं। गाइस मेरा काठी रोल आ गया है, बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, लेट्स टेक अ बाइट एंड चेक इट आउट। डिनर कर लिया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, गरम गरम था एकदम, ऐसे में भी इतना मज़ा आ रहा है इस जैकेट में, गर्मी गर्मी हो रही है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, घूमने का भी मज़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं एक नाइट वॉक लेने आ गया हूँ अब लता वहाँ के वहाँ पे। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट बट स्पेलिंग में तो ऐसे ही, तुम लोग करेक्ट कर देना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। बट या नाउ आई एम हियर, आई एम गोना टेक अ स्मॉल शॉर्ट वॉक एंड आई एम गोना हेड बैक होम।